जेकार लगे आते बोले पवन सुत हनुमान की बोले श्यामर रामचंद्र भगवान की लाल लंगोटो हद बनी मोरे मुख में नागर पान और लंका में बांदर चले श्री अजनी सुत हनुमान कभी लिखे लाल लंगोटा हद बनिया मुख में नागर पान लंका में बांदर चले श्री अजनी सुत हनुमान अब की में दुखरी घड़ी में अड़ो इन कोई आप हो या करे और विपता रे घड़ी में अगर कोई मित्रता नहीं निभवे तो भाई मित्र को है मित्रों लिया या करे बोरे बरसे काम ही नहीं पड़ा हनुमान जी महाराज बड़ा बुद्धिमानी जीवा बड़ा संस्कारी और बल और बुद्धि जिकिर कोई सुमार को तो किसकंद नगर में भगवान श्री राम और सुग्रीव बीच मित्रता हुई और सुग्रीव जिकेर आगे भगवान केम लागे हे सुग्रीव थार इन बांदरा री फौज में कोई एड़ो बांदर है जो को लंका में जार शेर की खबर कर सके क्या के ऐसे बलवान सूरवीर चाहिए जिनको हजार योजन चार से कोसरो सुंदर पार कर और लंका जा और सीता जी खबर कर सके तो जामवती महाराज भगवान ने केम लागे हे भगवान एड़ो सुरवीर एड़ो बलवान योधा मारी फौज में एक ही है हनुमान पण बने एक चीज की कमी महाराज हर बात बोली पड़े कि अगर ऋषि और शराब लागड़ो है अर बने बल याद ना देनी तो मोरे आगे वो चार से कोस समुद्र कहीं गोल हजार कोस वो तो पार कर रहे पण महाराज बने आपको बल याद नानो पड़े तो चाचुर विद्वान आदमी हुए हर बो कोई गांव तरे जावे तो मैं तो काम कर रही हवे पण कई अड़ू जावे जगे आदि जी लटक रवे तो हनुमान जी महाराज जामत जी महाराज ने क्यों लागा ही हनुमान आज भगवान में दुखरी गड़ी पड़ी और कवि तुलसीदास जी महाराज कहवे के धीरे जे धर्म मित्र और नारी आपस काल पर के चारी ई चार आदमी अपने ठाकनो के आपत गड़ी धीरे धर्म मित्र और नारी पतिव्रता नारी बाई है जो कि दुखरे घड़ी में पति रो सास नहीं छोड़े और मित्रता सासी वही निभावे जो को विपता री घड़ी में आपरे मित्र रो सास नहीं छोड़े जैसे भगवान और सुदामा री प्रेम करो और मित्रता ही जैसी मित्रता निभावे तो मित्रता है ही नहीं जने दीपता पड़े और मित्र लाली गली निकले तो बे मित्र कामरा को निभावे बरसे दंद नहीं पड़ा धीरज संतों के अंदर सदा सुखी और धर्म जो हाथ धर्म करीड़ो है अकाल मृत्यु मानु सभ्य दिनाशम भगवान के जो हाथ धर्म करीड़ो है तो अकाल मृत्यु में एक धर्म ही टाल सके और कोई टाल को सके नहीं क्योंकि धर्म महीने आशीष हुए और आशीष अमर धन होया करे करी फूटे को दीपियो फूट जावे पण गरीब ने दियोड़ो और गऊ ने दियोड़ो एड़ो को जावे नहीं धीरे धीरे धर्म मित्र और नारी आपत काल परखे चारी हनुमान जी महाराज ने जामवत जी महाराज समझावे कि हे हनुमान आज भगवान श्री राम ने विपतारी घड़ी पड़ी है दुखरी घड़ी पड़ी है इन वास्ते हे हनुमान आज तने लंका जा सीता जी खबर करनी पड़ी तो सुरवीर वे बे दबदनी हां भरे पण कई मन में विचार करे मन मन में सुरवीर रोड़ा बे सुरा पर पट कमरा कोनी तो हनुमान जी महाराज जामवत जी महाराज रे कहने हूं किसी प्रकार लंकार मैंने रवाने हुए और भगवान रे पगा लाग और भगवान रे हाथ एक हनोनी लेवे निशानी लेवे कई भगवान रे हाथ में मूंदड़ी तो उन टाइम कभी कहीं लिखे
सुन के जानवत करवा के सुन के जानवत करवा पीने नारी के कथा जानवा मोरा भगवान श्री राम रे पगे लाग और भगवान कोनो आज्ञा ले भगवान रे हाथरी मुंडली ले और हनुमान जी महाराज लंका रे खरी रवाने हुए सुनी जद जामवास के वाग कपी ने मारी एक बदा मुख में मुंडली ले और हनुमान जी महाराज पर्वत माथो किलकार कर परा रवाने है जिके पर्वत नहीं के पताल में गालियो बतावे इता जोशो सुता बलु हनुमान जी महाराज लंका रे खरी रवाने होया है सुनी जावेदात के वाक कपी ने मार दी एक खुदा हृदय में ध्यान राम को राग समुद्र कूद चले हनुमान तो हनुमान जी महाराज लंका रे खानी रवाने हुए इन्हें देवी देवता मन में विचार करे रहे हनुमान जी महाराज ने भूलने की आदत है आज ये की आदत है जातो कटी बात भूली पड़ जावे रे मूल दी बिचई रह जावे हर लंका जावे के ना जावे तो कहीं करा भाई के भगवान ने हनुमान जी महाराज ने जाचर माते किनी किनी भेजो तो देवी देवता भिड़ा हो और पाताल लोक में सरपारी माता ही सुरसा उन सुरसा ने जाकर कहे हे सुरसा आज तो हनुमान जी महाराज ने जाचर माते समंदर बीच में जाकर उभी रे और हनुमान जी महाराज ने जाच के हनुमान जी महाराज लंका में जाएगा आधे टाइम पाछा आए तो देवी देवता की बात मान और सुरसा करो भरियो है और सुरसा की प्रकार आपरे शरीर ने पूरो चार योजन में करियो है चार योजन एक योजन चार कोष हो या करे चार योजन होले कोष लमो चौड़ो शरीर करो और समुद्र बीच में हनुमान जी महाराज रो रस्तो रोकियो है तो हनुमान जी महाराज सुरसा आगे नाना प्रकारो विनती करे बोले हे माता और सुरसा आगे हाथ जोड़ प्रार्थना करे हे माता तू मारो रस्तो मत रोकना आज मैं भगवान रे कार्य लंका में जा रही हूं माता सीता री खबर करने वास्ते अगर तने खावणो है या मारनो है तो पाछे के तने मार दई सुरसा के नहीं तो हनुमान जी महाराज सुरसा ने नाना प्रकारो समझावो और केवन लागा अरे रामचंद्र जी की सीता नारी रामचंद्र की सीता नारी हर ले जोरा वण बलकारी हनुमंता
आठ यो जन में भाई हनुमंता और बारह यो जन में भाई सुरता, सोलह यो जन में भाई हनुमंता, बत्तीस यो जन में भाई सुरता, ओ रामा बत्तीस यो जन में भाई सुरता, हनुमत हनुमानी महाराज सुरसर आगे हाथ जोड़ प्रार्थना करे, बोले हे माता रामचंद्र जी की सीता नारी हर ले गयो रावण बलकारी, उनको खोजन जाऊं मातारी, दुष्ट रावण माता सीता रो हरण करो लंका में ले गयो। हे माता मैं आज सीता जी की खबर करने वास्ते लंका जाऊं और तू मारो रस्तो मत रोकना। जद हनुमत बोले ऐसी बाड़ी सुरसर सिर पर एक ना मारी, हनुमान जी मरा नाना प्रकार और सुरसर आगे विनती करे पण बार सुरसा एक पाउंड आगे नहीं करे, बोले बातों में बिलमा मत और मैं तेरे जिंदो छोड़ू नहीं। हनुमान जी विचार के ले भाई घरों निकलता है तो खोटी बोधन आगे रस्तो तो हो ही पड़ी जी। तो हनुमान जी महाराज आपरे शरीर में आठ योजन में करियो, सुरसा चार योजन में, आठ योजन में करियो। सुरसा विचार के झलड़ो पाबो कंडो रपो हेटो पड़े और आप कटी हेटो पर तो वेनी जन का तो आता जोड़ी करनी पड़े का पगे पड़नो पड़े इने इने लारो छोटे से कहीं कहीं नाग रगड़ी लारो छड़ाणो पड़े। और सुरसा आपरे शरीर ने 12 योजन में करियो, तो हनुमान जी महाराज आपरे शरीर ने 16 योजन में करियो, तो सुरसा अपने शरीर ने पूरे 32 योजन में करियो। हमें एक योजन चार कोस रोवे जन 32 योजन कितना कोस होए, इतो लंबो चौड़ो शरीर कर और जोरदार गेह गाजर मुंडो फाड़ियो। तो बीकानेर कोट गेट जो मुंडो घणो मोटो, हनुमान जी महाराज एकदम सूक्ष्म रूप धारण करियो, सूक्ष्म के छोटे हाव नैनो रूप कर सुरसरे मुंडे में प्रवेश और बारे निकलिया, बोले माता हमें तो जावण दे। सुरसा मन में विचार के लिए देवी देवता मोहलज करडा जे तू मुंडे में बड़ प्रो चौगण रूप करतो तो लारे रहतो भाई। पण भाई हनुमान जी महाराज ने कहवे हे महाराज मैं तो आपने जाचन वास्ते आई और मने पूरी खबर पड़ गई के थे लंका जा रहा हो, इमे कोई फर्क नहीं है। हर लंका में जाओ पण लंका में जोड़ा कहीं खोंगा डंडाई करो थारी पगम दिए जगह देख लिया महाराज नहीं क्या चंचलाई कर ली थारे। तो हनुमान जी महाराज कहवे ले माता हमें जावण दे। तो सुरसा कहे हे महाराज सारे दुष्ट मरेंगे काज सरेंगे थारे हाथों की राक्षसों वध होई और भगवान रो भी कर सरी। हे महाराज आप चौकी तरह सिदाओ मैं तो थाने जाचन वास्ते आई और आप चौकी तरह पधारो बली। तो हनुमान जी महाराज सुरसा आशीष ले और बटनु रवाने हुए वे टेम समुद्र में महीने एक रावण ने छोड़ी राक्षसनी समुद्र के बीच में रेवे और समुद्र में माया पोड़ी। अगर कोई पशु पक्षी भी लंका रे खरी प्रवेश करे और भी छाया अगर वीर माते पड़ जावे तो भी छिया ने कैद कर परी और भी जीव ने खत्म कर दे। तो हनुमान जी महाराज आकाश रे मार्ग जावता और जाई हनुमान जी महाराज री छाया पड़ी और छाया ने भी कैद करी। हनुमान जी विचार की अटई बेटो कोई कोई खोटी पड़ी जाए और कहीं आने जानी कोई। तो हनुमान जी महाराज भगवान रो नाम ले और जोरदार किलकार मार और समंदर में उतरिया उतरता ही एक मुकीरी ठोकी जन भाई घी पी होती है इजटी बीच ही तोर खत्म होगी। अबे हनुमान जी महाराज लंका रे खरी प्रवेश करे और कहीं लंका री शोभा देखे कहीं कवि कल्पना करे एक पर्वत माते चढ़ एक बड़ो भारी पर्वत हो जके माते चढ़ और हनुमान जी महाराज लंका री शोभा देखे कवि कहीं केवे है और केड़ी लंका री शोभा है। अरे सोनेरी गढ़ लंका रे देखी रे सोनेरी गढ़ लंका रे देखी सोनेरी गढ़ लंका रे देखी
परिशुद्ध हनुमान की। देखो पहला भी टीम तो और होती है, मेरी टीम और है। पहला सत्संग में जागरण में बड़ा कोड और भाव बैठता है। हमें जागरण में सत्संग में दो चीज रोड़ा हुआ है, कने कोई के गैस बने, कोई के कमर दुखेर, कोई के पग हाथ टूटे, क्योंकि सत्संग एक अनमोल चीज है। और आने जो हेगलाओ चीज बाईज मना है जकी गुणकार है, और गुणकार चीज ने मना करी देनो शरीर घना साफ दे गोनी। सत्संग में बैठो तो कमर ही दुखी, हाथ पग ही दुखी, पर सत्संग बड़ी अनमोल है। महात्मा कहवे के देवा ने जो चीज दुर्लभ है आ सत्संग परमात्मा की नावरी जी के देवता लोग ने भी दुर्लभ है, और देवता लोग भी कहे हे परमात्मा एक बार माने मनुष्य शरीर मिल जावे तो मैं सत्संग सुन प्रारी जीव रो कल्याण कर सका। और जे जो चीज देवा ने दुर्लभ है बा ईश्वर की कृपा अपने मिली है, तो ईश्वर रो गुणगान अपने करना चाहिए, परमात्मा की जयकार करनी चाहिए। नहीं जने और मनुष्य शरीर बार बार मिले कोनी, और कहनी बैम हुए भाई हमके बड़े कर ले हमके कहीं को नहीं, हमके कुछ नहीं हो सके। और कह और भ्रम भी दूर करियो ही कलयुग में भगवान, तो हनुमान जी महाराज पर्वत पर चढ़ो लंका की शोभा देखे। अबे कह सोनी री गढ़ लंका देखी, सोने रा परकोटा चारों कानी सोने री बड़ी बड़ी दीवारों और परकोटा देखी है, और लंकर में सिगलाई सोने का मकान अच्छी मेहमा देखी। और बालाजी विचार किए भगवान एड़े मिन को ने सोने लंका दी है, उन परकोटे में वे लंकर में नाना प्रकार मल उबा अखाड़ा रमे, कई मल उपाड़े, कई के हमसे लड़ो हमसे लड़ो हमसे लड़ो हमसे लड़ो करे। हनुमान जी विचार किए जे दिन में लंका में प्रवेश करिया तो मोटियार मरिए को करन लेनी, क्योंकि यो लड़ लड़ पो तो पूरा हो जाए और सीता जी समाचार दीजिए कौन तो कहीं करा। लंका फिर के जब जोई हनुमान जी महाराज आकाश रे मारे गुडे और पूरी लंका रे मिली देखे, तो सीता जी की कटी खोज खबर नहीं है। लंका फिर के जब जोई निगा सीता की ना होई चारा खाने देखे, तो सीता जी की कटी खोज खबर नहीं लागी है। तो हनुमान जी महाराज पनगढ़ माते जावे और पनगढ़ माते लुगाया पानी भरने वास्ते आवे, और जठे पानी भरने वास्ते 20 लुगाया भेड़ी वे तो बड़ा रास्ता पत्रिका की जरूरत को पड़े, लगभग गौर हमाचार नदी माते मिल जावे। हर भेड़ी वड़ी बातें करे के भाई राजा रावण जो सीता रो हरण कर ले रहे है, ई सीता करी कहियो। तो हनुमान जी विचार कर आ भाई बोले थे ये भाई ने पकोठा है हनुमान जी ने पतो लागो। और हनुमान जी महाराज जार भी ने पूछे हे राक्षसी ने बोले भाई तू मने बता बा सीता जी है कठे। दो जोड़ी बोले भाई खबरदार है ओ आदमी ओल पिचोलो है, और अपारी नगरी रे मिनक कोनी, और अपारी नगरी रे मिनक नहीं वे तो भाई अपने गांव रा भेद लेना नीचे जी, क्योंकि अपन तो है मोटे मोटे पूछ रहा ये भाई री पूछ है वो आदमी को दूसरी धरती रही जाए, इन बात है गांव रा भेद नहीं लेना। तो उन टाइम हनुमान जी महाराज जेको ने एक राक्षस ने के बोले महाराज माने तो नहीं खोज खबर है नहीं, पण आप ये लंका रे मेने जाओ, और लंका रे मेने रावण ना छोटा भाई विभीषण जी महाराज है बे आपने पूरो खोज खबर दे। तो हनुमान जी महाराज विचार करियो हमें रात रे में प्रवेश करा दिन नहीं करा, आधी रात ढले जिते हनुमान जी महाराज पनगढ़ माते बैठा और आधी रात ढली वे टाइम हनुमान जी महाराज एकदम सूक्ष्म रूप धारण कर, और सूक्ष्म रूप धारण कर और लंका रे गेट माते आवे तो एक लंकनी नोरी राक्षसनी फोरो लगवे, और हनुमान जी महाराज ने एकदम छोटो रूप करिडो, और जय गेट में ने प्रवेश कर लगा और लंकनी बोले ओ बंदर इधर जावे। हनुमान जी महाराज विचार किए भाई गो हैंग में होपो पड़ गयो, तू जे जागती फिरे कोई बिचणा वकीड़ी नगरो मरे तू जे रोत क्या फिरे, बोले तन खाए मारो ई लंकर में ने रात रे में पोरो लागे। तो हनुमान जी विचार किए आई मर के गो हैंग में जगवाणी जी के में कोई फर्क नहीं, तो हनुमान जी महाराज थोड़ो
रूप आवरो ढंगरो कर एक लंगड़ी ने थप्पड़ मारी बाईरी रापो चार चार फुट लारगी प्री बेचे तोर दरंदनी पड़ी आधे घंटे वो चेतो करियो तो हनुमान जी महाराज रा पग पकड़ लिया बोले महाराज मैं तो ओढ़ लिया आप भगवान श्री राम रा पायक हो और सीता जी की खबर करने वास्ते लंका में आया हो। हनुमान जी के भाई एक थप्पड़ में ठिकाणो हाथों आते हो तने हनुमान जी महाराज के बेटे ने तने ठाई पड़ गयो तो तू मने बता बे सीता जी है कटे। बोले महाराज आप ही लंका में प्रवेश करो और लंका में विभीषण जी महाराज रेवे और विभीषण जी महाराज आप पूरी खबर करो क्योंकि विभीषण जी महाराज भगवान रे भगत है उनते हनुमान जी महाराज लंका रे गेट में प्रवेश करे और कहीं देखो लंका की शोभा देखे कहीं कभी कल्पना करे। अरे दशरथ और ऋषि बुझावो अरे दशरथ और ऋषि बुझा रावण को ही सुसा पाया प्रवेश करे तो कई महिमा देखे। बोले दस शीश और बीस भुजा रावण को जब सूता पाया पलंग माथे दस शीश और बीस भुजा धारण कर रावण सूतो आज अब अनोखी देखी माया कुंभकर्ण की थी माया। कुंभकर्ण ने जार देखे तो ठाले बोले कई भाव में मूछो पड़ी विचार की वारी भिंदा था केड़ा केड़ा मान खाई धरती माथे है। अब घूमत घूमत कपी ने अरे घूमत घूमत कपी ने पाया विभीषण का धाम। फिरता 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 जावे तो गांव रे किनारे विभीषण जी महाराज री झोपड़ी क्योंकि भगवान रा भगत वे नी जको रे मकान रे थोड़ा मोड़ाई जावे और विभीषण जी महाराज रात्रि टाइम में भगवान रो भजन करता और रात्रि टाइम में हनुमान जी महाराज जार गेट बजायो और विभीषण जी महाराज उठे उठ पुरा बारनो खोले तो आगे भगवान रा भक्त हनुमान जी महाराज ने और विभीषण जी महाराज मन में बड़ा राजी हुए और भगवान रा भक्त दोनों आपस में गले मिले और सुख दुख की बात पूछे और विभीषण जी महाराज हनुमान जी महाराज ने केवन लगा ही महाराज आप तो भगवान के 24 घंटा रो एक बार मने भी भगवान रा दर्शन कराओ। हनुमान जी महाराज कहे तू थारी कारीगरी बिची लगवे तुम रोए दर्शन ने मैं तो बिने चुनाव तनो लंकाड़ो रात दरण में रात लागोड़ा हूं क्योंकि भगवान रावण नो वध करी दुष्ट रावण नो वध करी तो लंकाड़ो रात तेरे धारुज करी तो होश मत करना आने मने तो सीता जी की खबर बताता कि वो भगवान ने जा समाचार दू तो उन टाइम हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी महाराज कहन लागे बोले महाराज इन लंका में एक अशोक नाम वाटिका है और आछो बाग है उन बाग में अशोक नाम बड़ो वृक्ष है उन वृक्ष ने नीचे सीता जी बैठा है पर महाराज बड़े नाना प्रकार की राक्षसियां नागी तलवार और फोरो लगावे और बे नाना प्रकार सीता जी ने भयभीत करे और डरावे बार बार। आप थोड़ो ध्यान रखिया और आप अशोक वाटिका में जाओ आपने सीता जी का दर्शन हो उन टाइम हनुमान जी महाराज एकदम सूक्ष्म रूप धारी लो और लंका रे मैंने अशोक वाटिका में आवे और कई कई कल्पना करे। बातें सुन के पतो लगायो
हनुमत दौड़ बाग में आयो, बातें सुन के पतो लगायो, हनुमत दौड़ बाग में आयो, माँ सीता को दर्शन पायो कपि चिटकारी मुंदरी, सीता को दर्शन पायो कपि चिटकारी मुंदरी, माता सीता री गोदी में हनुमत डाले मुंदरी रे, हनुमत डाले मुंदरी, माँ सीता री गोदी में हनुमत डाले मुंदरी। सीता को दर्शन पायो अशोक वाटिका में हनुमान जी महाराज अशोक नाम वृक्ष हो उन्हें माते एकदम नैनो रूप कर हाव छोटो रूप कर और वृक्ष के ऊपर पतर पीछे लुक परा और सीता जी का दर्शन करिया। इन्हें राजा रावण रात ही टेमे रानी मनोदरी ले दासी दासियन ले और सीता जी ने समझाने वास्ते वे बोले हे सीता रानी मनोदरी जैसी रानी मैं थारे आगे दासी बना दूं पर तू महल में आ रही। सीता जी एक डाबरो भोजोलेर आडो और केवेरे दृष्टि पापी दुराचारी जीव अगर तू सूरवीर हो तो तुम्हारे पति रे सामने मने हरण कर दो पर थारे जड़ो नीच प्रगति रो राजा बार बार मारे सामने आवे तो मैं थारो मुंडो देख के हमारे पति पर तारो धर्म नष्ट हुए। वे टाइम रावण खड़क तलवार उठाई रानी मनोदरी हाथ पकड़ी बोले हे राजन एडो काम नहीं करनो आज जगत जननी है इन माते आत्मा तो ताना लंकारो खो नाश कर दिला। वे टाइम रावण एक महीने में म्याद याल और पाछो जावे हनुमान जी महाराज वृक्ष के ऊपर बैठा एक लाई किरकड़े बोटे विचार के भगवान को खाली पतो ही करिए जे मने आ के दे आओ तो लिए तो एक मुक्की में नहा काट दो इरो पण मारो बस चाले कोई यंग भगवान इतो ही के पतो लगा राणो तो हनुमान जी महाराज
सीता जी रावण जाने के बाद में एक त्रिजटा नारी राक्षसनी उन्होंने कहे हे त्रिजटा तो इन लंका में कटो अग्नि लार दे ताकि मैं बलर भस्माऊं इस दुष्ट रावण को बार बार मैं मुंडो देखूं तो माने पति पर धर्म नष्ट हुए। सीता जी ने बड़ा विलाप करता बड़ा दुख दुखरी बातों करता देख हनुमान जी महाराज हर आपरे आदरणीय भगवान री आदरी हेनोनी होती मुंदड़ी बस सीता जी खोले में टप देने नोखे और सीता जी हाथ में लेते ही विचार करे सीता देखत ही पहचानी या तो रघुवर की है सेनानी अठे कौन जनावरानी जो संग में लायो मुंदड़ी। सीता जी विचार करियो एड़ो ही लंका में कौन आयो जो को भगवान री आदरी हेनोनी लेने आयो। वेटे हनुमान जी बड़ा तबंद ने नीचा गोलिया और कहने लगा हे माता आ तो मुंदड़ी मैं लेने आयो। तो सीता जी देख विचार करे और कहे मैं तो जानू ना तो ही वीर तू है कोई छलगी मैं तने जानू कौन तू कोई छलगारो है और मने छलन वास्ते आयो है। हनुमान जी महाराज कहे माता ना हूं मैं छलगीर मुझको भेजा है रघुवीर और संग में लायो हूं मुंदड़ी मैं भगवान श्री राम रो दास हूं और आप रे तका मुंदड़ी लेन आयो हूं आप मारे माते विश्वास करो। तो सीता जी देख बोले ना तने देखियो मैं पूरी अयोध्या ना सरोवर री तीर ना तो तने कदी अयोध्या में देखियो ना भगवान रे आगे बनवास में देखियो तो भाई तारे माते भरोसो करूं की कर के तू भगवान रो पायक है। हनुमान जी महाराज के वे माता आपने विश्वास करनो पड़ी। तो हनुमान जी महाराज रे एकदम सूक्ष्म रूप देखियो हाव ननो और सीता जी ने हंसी आई सीता देखत ही मुस्कानी तेरी छोटी सी जिंदगानी अरे भाई कहीं आडे गोडे आदमी डंगरो हुए तो बे भी करो पर थारे पीछे तो मथाणी रखंदो ही डिगो हुए एक बिरौंत्रो आदमी इतनी मोटी बात करे छोटे मोटे बड़ी बात नहीं करनी ओपे को। हनुमान जी महाराज कहे मैया मने छोटो सो मति जान मैं हूं बहुत ही बड़ो बलवान और बल दिनो मोहे भगवान इन मिट लायो मुंदी तू मने छोटो मत गिनना मैं बहुत बड़ो बलवान हूं। सीता जी के हां दिशो ने हां दिशो तो सीता जी रो भ्रम मिटाने वास्ते हनुमान जी महाराज आपरे शरीर ने चार कोस लंबो करियो 12 किलोमीटर लंबो शरीर एक योजन में लंबो करियो और हनुमान जी महाराज ने देखो और सीता जी विश्वास करियो कि है तो कोई भगवान रो पाए इनमें तो कोई फर्क नहीं। तो हनुमान जी महाराज आपरे रूप ने चौगुणो करियो चारों खानी विराट रूप करियो और चारों खानी नजर घुमाई है तो रावण ने लंकर में आचा आचा बाग लागिड़ा केला लो मोस मिलो संतरा लो तरह तरह का फ्रूट देखिया और हनुमान जी महाराज मन में विचार करियो और माता ने हाथ जोड़ के उन लगा हे माता हे मैया मैं भूखा भोजन पाऊं देवो हुक्म तोड़ फल खाऊं सारा अपना बल दिखलाऊं इन विदलायो मुंदरी हे माता आप थोड़ो मने हुक्म देवो तो चार से कोस रो समुद्र पार करियो बीच में कभी हिरण पानी नहीं करियो तो आप रो हुक्म हो तो मैं थोड़ो बाग में जार फल फ्रूट खा लूं। सीता जी कहे हनुमान नहीं बोले क्यों बोले अठे थारो बड़ा बड़ा सूरवीर राक्षस रेवे और अगर तने मार दे तो पास समाचार की ले जाई। हनुमान जी महाराज के मां मारना के मन में रही पर आप थे हुक्म दो जी की बात करो तो हनुमान जी महाराज जगह ने सीता जी केवन लाग देख इन बागरी एक मर्यादा है क्योंकि फल तोड़ खाना मना है और कोई जमीन माते टूट पड़ियो रे बिन तू उठार खाली कोई मना कोन। हनुमान जी कहे जमीन माते पड़िया भली खाओ के हां भली खाओ अबे हुक्म लिए पर हनुमान जी मरा लंका रे बाग में ने प्रवेश करे तो जितना भी पेड़ लागड़ा फल फ्रूट रा पेड़ लागड़ा जको ने हगड़ा ने जड़ों काटना शुरू करिया जड़ा सबरे ऊपर ने कर दी पत्ता सबरे नीचे ने कर दिया जमीन माते और कहो माताजी ने कहड़ो के जमीन माते बढ़िया भली खाओ अबे बागवान हनुमान जी महाराज ने के ओ बंदर तने ठायो बाग करो है। हनुमान जी महाराज केरे गेला जे भैंस ने ठाव के हगोर खेत तो गवार क्यों मिटा होए मोर बलिया तो किनो खेत और किनो बाग है मन काई करनो बोले ठहर पहले तने युद्ध करनो पड़ी। हनुमान जी केरे पहले हिरण करनो पड़ी बोले नहीं तो बागवान जिता भी हनुमान जी महाराज ने लारे दौड़ना हरू या हनुमान जी आगे लारे बागवान सौ बागवान काम करता बाग रमेनी हनुमान जी महाराज दौड़ पर एक ताड़ो वृक्ष ओण मारे चढ़न लगा तो चार एक मोटिया रो पूछ पकड़ियो और कह रहे पूछ पकड़ नीचे ना कोई ने तो हनुमान जी महाराज भगवान रा पाए का और ऐसी महिमा करी के पूछ ने बदावण हरू करियो तो
आठ आदमी पहुंचे तो आगे दस आदमी जगह पड़ी, दस ढुके तो आगे बीस आदमी जगह पड़ी पड़ी और अबे जो कोई पूछो खोचो कहे के नीचे पड़ो जन धो लिया पर हने पग हम दो अबे हिजरा भगवान हम पग दे पूछ खाजे ज्यों खाजे जे बदे बागो किलो एक मिनट बार काट दी और हनुमान जी महाराज हेठे उतरपरा और लारी ने नजर घुमाई तो हिगला ही पूछ काटो पकड़े होगा और हनुमान जी महाराज पूछ ने अदर करी जो मेसी ट्रैक्टर लिपट उठा बजे ठेठ आसमान ने अदर ले गया और चारा खानी धुनी ठोकी तो बिने ठिकाना घर में बढ़ गया पर तो रहा निकल गया एक आदो कोई रेज के गोडे मसल मार दियो जीव तो को छोड़ियो तो एक माड़ी एक बागवान हिगली या लीला देख तो विचार की अपर पूछ पकड़नो कौन क्या हम आचा देवन एक तो सही जिला रे हर माड़ी जाई केव रावण ने बंदर एक बाग में आया माड़ी जार केव बाप जी एक बांदरू आयो बाग रे मैंने पूरे बाग रो सच्चा नाश कर दियो रावण कह रे बागवान सब बागवान काम करो एक बांदरो कब्जे को आयो था तो बागवान केवे महाराज सौ मो निन्यान में तो काम आ गया तो थोड़े हमाचार लायो काम आ गया बोले आओ मार दिया है मैंने बोले रे बांदरो है कोई ओली रोहांगे बोले महाराज जो ही ठा पड़ी तो रावण और छोटो लड़को अक्षय कुमार और केवे पिताजी मने हुकम दियो थे मने जाऊं दो तो वे टाइम अक्षय कुमार जावे और कहीं युद्ध बचे अरे अक्षय कुमार बलकारी रे भाई राम अरे अक्षय कुमार बलकारी रे वहां पर हुआ झगड़ा मारी अक्षय कुमार बलकारी वहां पर हुआ झगड़ा मारी अरे अक्षय कुमार बलकारी अक्षय कुमार और हनुमान जी महाराज के बीच युद्ध छिड़ियो था अक्षय कुमार बलकारी हुआ झगड़ा बहुत भारी तोड़ ताड़ को वृक्ष कपी ने अक्षय पर जा मारी अक्षय कुमार कई जी तो लड़ियो हनुमान जी महाराज एक बड़ो ताड़ रो वृक्ष देख और जड़ों काट अक्षय कुमार ऊपर फेंके जण को डबेर मा ढक दियो होजड़ी खत्म हो गयो जद सेनापति केओ रावण ने सेनापति कहो रावण ने अक्षय कुमार तो मुक्ति पाया बोले महाराज बांद्रे छोटे राजकुमार जी ने मार दिया रावण विचार करे रे जावे जे ने हाथ तो आवणी को देने खंडो खोरी करे बने मरियो को छोड़ी एडो पण बांद्रो तो वे टाइम रावण ने बड़ो लड़को मेघनाथ कहन लागो महाराज मने जाऊं दो आप गांव में मिनक बातो करे रो होलो होलो करतो रावण घर खाली कराए मिन गांव सा मेघनाथ बलकारी हुआ झगड़ा बहुत भारी हनुमान जी महाराज और मेघनाथ के बीच युद्ध छिड़ियो तो हनुमान जी महाराज जिकेरे सामने मेघनाथ ब्रह्म भांसरो वार करियो
और ब्रह्मा जी रो पौन गयो जे के हनुमान जी विचार करे हिरणी हो गयो और पानी हो गयो और चमत्कारी देज गया। हमें ब्रह्मा जी रो अग्यारो उल्लंघन में नहीं करनो, लंका में जा रावण ने हमाचारी देना है। तो हाथ जोड़ खड़ा होया ओए टीम हनुमान जी मरा ने ब्रह्म फांसो बांध और लंका रे मीने कोर्ट में पेश करे। जते राजा रावण की छबल आग्योड़ी और रावणी सवार मीने पेश करे तो सभा जोड़ी और हनुमान जी महाराज ने बांधोड़ा। हनुमान जी महाराज बांधोड़ा ही रावण ने उपदेश देना शुरू करिया। बोले रे रावण, अरे सुन सुन तू रावण, मोरी में मौत काल दू तोरी। ए लंकापति रावण, तने एक में इतनी बात बताऊं के भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और जो भी भगवान री शरणागत में जावे भगवान उन्हें कभी नहीं मारे। हे रावण, तू माता सीता ने ले और भगवान श्री राम रा चरण पकड़ दे, पग पकड़ दे तो तने जीव तो छोड़ दे। रावण कह रहे बांदरा, ओए बांदर, रावण म्यारी कबूल बोले, मौत रे मुने महापुरो तू मने उपदेश दे। हनुमान जी महाराज कह रहे हूं तने उपदेश कहीं दे दूं पण थारे माथे पर काल फिरे मंत्रा तू चपेट में आई रे कोई। तो रावण आदेश दियो, बोले पंद्री ऐसी दशा करो कीने देख पर लाला बांदर एक भी नहीं आवे। रावण चौदह विद्या नादानो और भी पूछियो और विचार करियो के बांदर सब कीमती चीज पूछ होया करे, पूछ नहीं होवे ने बांदर कहीं काम रो कोवे। समाज में आपने बांदर समाज में बैठ जड़ो करे तो ये बंदर एक पूछ मने ऐसी आग लगाओ के इने देख और लाला बांदर एक भी नहीं आवे। तो हनुमान जी महाराज रे लंका रे मैदान में ले जा और पूछ रे माता रोई पड़े इतनी हरू करी और पूंछ में आग लगावे तो हनुमान जी महाराज कई लंका पुरी में पूंछ घुमावे और पूरी लंका में हाहाकार मचावे कई देखो आग लगावे। सारी लंका में पूंछ घुमाई घर एक, सारी लंका में पूंछ घुमाई कपि घर घर आग लगाई रे। सारी लंका में पूंछ घुमाई कपि घर घर आग लगाई हनुमान जी महाराज ने एक समुद्र आगे रवाना हुयो। हनुमान जी महाराज के समुद्र ने किसे जन्म रो ऑटो काटे ढोनी घरा गुरु बड़े तो कने जावे। बोले महाराज हम ही छाती आज मारी हिम्मत पड़े कौन क्या थारे आजा मैंने पनीर पुला जगे जन लगे और अगर आज ने थारे मैंने हम फुरिया तो ये समुद्र में आग लाग सके तो महाराज करोड़ों लाखों जीव जंते और अगर थे फूट फोरो
तो महाराज छोड़ लगा रहा पूंछ री बुझा दे ने महाराज मन तो बेम कोनी बुझने तो हनुमान जी महाराज फूट फोरी समुद्र पानी री छोड़ लगा और समुद्र पूंछ बुझाई है। अबे हनुमान जी महाराज लंका उने पूरी लंका में आग लगा और बाग में जावे सीता जी कने तो सीता जी बोले हे हनुमान आने ही लंका में सिकलो राजी खुशी काम हो आने ने मो हाहाकारो घणो मचियो कई बात होई। हनुमान जी महाराज के माता इयो मोर पूछ बाल दिया मोर टापरा बाल दिया काम ही तो जयो बेसी कई गोयो नहीं क्योंकि राक्षस है बड़ा नीचे और भगवान जी के लंका में चढ़ाई करी तो एक भी आपरे मकोना लुक लुक रे जी बड़े जीवता मैं यो रे टापरे बाल दिया के आओ जड़ मंटा ताटे मिला दीला जाई के और घर यहां चली जे कोनी अबे आप मने हुक्म देओ और आपरे आदरी कोई न कोई हिनो नहीं दो ताकि भगवान मारे माते विश्वास करे के लंका में जा रहयो है। तो वे टाइम सीता जी आपरे चुड़ामणि दिनी के ले हनुमान आ चुड़ामणि आ तू भगवान ने बता दी भगवान तारे माते पूर्ण विश्वास करी तो जिन टाइम हनुमान जी महाराज सीता माता री चुड़ामणि लेपरा और चार से कोसरो समुद्र पार कर और लंका रे समाचार भगवान ने देवे और भगवान कहीं पहुंचे वे हनुमान ने सीता बैठी बीरे के माईयो ओ बेगा चलो राम रघुराई ओ हनुमान जी महाराज भगवान ने लंका रा समाचार देवे हे प्रभु सीता माता बैठी ब्रह के माई बेगा चलो राम रघुराई सीता जी रे दुख मारो 10 मिनट देखी जियो कोनी में 10 मिनट मार लिए 10 वर्षों जीता 10 साल जीता दूरा निकले 10 मिनट क्या सीता बैठी ब्रह के माई नाना प्रकारी राक्षस ने बोने तंग करे रावण परेशान करे अरे सीता बैठी ब्रह के माई बेगा चलो राम रघुराई अरे संग में ले लो लक्ष्मण भाई और कर दो बेगी लंका में चढ़ाई फुर्ती करो इति बात सुनाई और भगवान लंका में जाने की तैयारी करे इन्हें रानी मनोदरी जिके ने कहीं सपनो आवे और आधी रात में उठ परी आपरे पति देव रावण ने उठान और कहे हे महाराज मने एक सपनो बड़ो विचित्र आयो है और मारी नींद उड़ गई है। बोले केड़ो सपनो आयो तो रावण ने कहन लागी मनोदरी अर केत मनोदरी सुनो प्यारा केत मनोदरी सुनो प्यारा रावण सपनो रे बिसेवा बिस मारागा सपनों
कलकियो थी फिरिया गाते पवन सुत हनुमान के जय हो। इनी प्रकार रानी मनोदरी कहवे हे महाराज, कहत मनोवर सुनो पिया रावण सपनों बिस्वा बीस, अरे कूदत देखिया रीस बांदर मैं उड़ता दीठा दसों शीश। हे पतिदेव मैं देखियो कई लंका में ने ईंट टू ईंट एक एक पत्थर उठा उठा ले गया और रीछ और भालू और बौंदरी बौंदर चेहरा खाने गया। आपरा दसों सी से क्यों ठोकरों बावता दड़े में जान मता देखिया। हे महाराज इस सीता ने पाछी पहुंचा दो निजन मने वो अपनो हाजो हो तो लागे। बेटे में रावण कहे रानी मनोदरी कहे सुनो मारी बात हाजोड़ विनती करूं थाने। कहते मनोवर सुनो पिया रावण आ कहीं कुबद कमाई, अरे तीन लोकरी मातसिया ने जाय के तू चुराई। हे पतिदेव पुलप ऋषि का पोता रावण विश्व ऋषि का विश्व ऋषि का जाया, अरे कुंभकर्ण का भाई रावण ने एक कहीं क्रोध कमाया। हे पतिदेव आपरा पिता आपरा दादा परदादा पिता सुरवीर और केड़ा भक्ति बावला और थे ओ कहीं कारवार पड़ायो है। आप माता सीता ने पाछी पहुंचा दो। तो रावण कहे मनोदरी अरे मेघनाथ जैसा पुत्र हमारे और कुंभकर्ण जैसा भाई, लंका जैसा कोट हमारे सास अंदर आड़ी है खाई। अरे राम राम भाई जी खपी तो कोई जिन तू डर मत, चार से कोस रो फरकोट रो दौड़ कर समुद्र रो। रानी मनोदरी के महाराज हनुमत जैसा पाए कुन के और लक्ष्मण जैसा भाई, जलती अगर में कूद पड़े बे कोट गिनन कोई खाई। हे महाराज मने तो डर बो है के बीरो मेलियो एक आदमी बीरो एक छोटो मुनि मायो जो को पूरी लंकारी चौथे गिरी तो वो धनी खुदा है लंका में लड़ रही गई। मिनक मिन जो मानो रावण ने कहे तो रावण के त्रिया जात तो अकल की ओछी उनकी करद बढ़ाई। अरे ध्रुव मंडलो पकड़ मंगाओ बे राम लक्ष्मण दो भाई। तो मनोदरी कहनो नहीं मानियो तो कवि तुलसीदास जी महाराज कहे कि हनुमान जी महाराज जो लंका में जा सीता जी खबर कराया मारी कथा। कवि तुलसीदास जी महाराज सीता मुंदरी गाई और कहे शरण पदुका देवी भरत ने अवधपुरी धरवाई, भाई भरत जी खुशी हुआ तुलसीदास जी गाई। बोले पवन सुत हनुमान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की।